इस समय चारों ओर केवल निशा लांबा और अंजलि चौहान के बीच हुई कंट्रोवर्सी की चर्चा हो रही है। वहीं जब ये बात राखी सावंत तक पहुंची तो उन्होंने इस पर कैसे रिएक्ट किया, आइए आपको बताते हैं। दरअसल आपको बता दें कि निशा लांबा और अंजलि चौहान के बीच हुए विवाद में अब शहरी और गांव की बात आ गई है। अंजलि का कहना है कि निशा गांव वालों को गवार समझती हैं और इसी कारण इन्होंने मेरे पर इतना बड़ा इल्जाम लगाया। साथ ही वही फैंस भी निशा के इस बिहेवियर से हैरान हैं और इन पर काफी गुस्सा भी। हालांकि निशा ने इस पूरे मामले पर बात बढ़ता देख एक वीडियो बनाकर सबसे माफी मांगा और इन्होंने कहा कि ये हर किसी का रिस्पेक्ट करती हैं, चाहे वो अमीर हो या फिर गरीब। यहाँ तक कि निशा का कहना है कि ये खुद एक फॉर्मर की फैमिली से बिलोंग करती हैं और हर किसी का दिल से रिस्पेक्ट भी करती हैं। वहीं निशा ने बताया कि इन्होंने भी लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए कितना स्ट्रगल किया है। हालांकि निशा लांबा के माफी मांगने के बाद भी कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि इनसे अभी भी नाराज हैं। वहीं निशा लांबा और अंजलि चौहान के बीच चल रहे इस पूरे विवाद पर रिएक्ट करते हुए राखी सावंत ने कहा कि निशा को इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। साथ ही राखी ने आगे कहा कि हमें कोई हक नहीं बनता कि हम किसी को उनकी डिग्री या उनकी लाइफस्टाइल देखकर जज करें। निशा ने अंजलि के साथ ये गलत किया और इन्हें माफी मांगनी चाहिए। फिलहाल इस पूरे मामले पर निशा लांबा ने सबसे माफी मांग ली है। वैसे निशा के इस बिहेवियर पर आप क्या कहना चाहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही अगर आप चाहते हैं कि यूट्यूबर्स और बॉलीवुड से जुड़ी सभी खबरें आप तक सबसे पहले पहुंचे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।